स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं हायर मैथमेटिक्स, जो बीएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट यहां पे जो मैं टॉपिक ले रहा था वो था टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम से कैसे हम फंक्शन को एक्सपांड करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो मैंने आपको बताया था। उसके कुछ क्वेश्चंस और थे वो मैं आपको भी लेके आया हूँ, इसका सेकेंड पार्ट लेके। और स्टूडेंट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम, टेलर्स थ्योरम पे मैं क्वेश्चंस बता चुका हूँ, जो यहाँ पे आई टेप पे जाके आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी के लिए भी बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर रखा है, सो जो आपके बीएससी और इंजीनियरिंग के सिलेबस में है वो भी आप यहाँ पे आई टेप पे जाके मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, सो देट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और लाइक जरूर करिए स्टूडेंट, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं आपसे कि आप ये जरूर करें। सो स्टूडेंट देखें यहाँ पे टेलर्स थ्योरम, और टेलर्स थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये जो सीरीज होती है वो ये होती है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, इस तरह से। सो हमें यहाँ दे रखा है एक्सपान टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इन पावर ऑफ एक्स माइनस टू बाय टेलर्स थ्योरम। तो कैसे हम यहाँ पे इसको एक्सपांड करेंगे, आपसे बोल रहा है कि इन पावर ऑफ एक्स माइनस टू, तो हमारे पास ये तरीका हो सकता है कि एक्स माइनस टू हर जगह करके हम कुछ इस तरह से करें, पर ये बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम टेलर्स थ्योरम से बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम थ्योरम जानते हैं क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए कितना आएगा, देखो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, टू प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हमारा ए होता है, ये हमारा एच होता है, और इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, एफ ए प्लस h अपॉन वन फैक्टोरियल f डैश a प्लस क्या होता है यहाँ पे h स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल f डबल डैश a, इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, आगे को टर्म लिख लेता हूँ थोड़ा ठीक रहेगा, है ना, ये क्या आएगा x माइनस टू का क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a, चलो एक और लिख लो x माइनस टू की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल f फोर टाइम डिफरेंशिएशन a। ठीक है, नाउ अब ये वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, एक्चुअली a की जगह यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा राइट। सो देखिए आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ना उसका एफ डैश एक्स निकालिए कितना आएगा, देखो ये सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस वन, हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन आएगा ट्वेल्व एक्स प्लस फोर्टीन, हम जब इसको एक और बार करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो यहाँ से इसकी वैल्यू ट्वेल्व आ जाएगी, है ना, और फोर टाइम है तो जीरो हो जाएगा, इसका फोर टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ कितना रखेंगे, टू रखेंगे, है ना, यहाँ पर भी हम टू रखेंगे, यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, टू रखेंगे, और यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, टू रखेंगे, और ये तो वैसे भी जीरो है तो मतलब ही नहीं है, है ना, एफ फोर टाइम डेरिवेटिव टू इज इक्वल टू, तो ये तो जीरो ही है। अब इसमें जहाँ पर भी एक्स वहाँ क्या रखेंगे, टू, तो टू रखेंगे तो ये एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, प्लस यहाँ टू रखेंगे तो फोर ट्वेंटी एट, प्लस जहाँ पर भी एक्स वहाँ रखेंगे टू माइनस वन, तो ये आ गया आपके पास थर्टी, एंड देन फोर्टी, फोर्टी सिक्स में से वन गया तो फोर्टी फाइव, नाउ यहाँ डैश में इसमें टू रखिए आप, तो जहाँ पर भी एक्स वहाँ टू रखेंगे तो टू रखेंगे कितना आएगा, फोर, फोर सिक्स ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी एट प्लस वन, है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये ट्वेल्व फिफ्टी टू, फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री, फिफ्टी थ्री आंसर आएगा इसका। देन यहाँ पे आप एफ डबल डैश टू की वैल्यू निकालेंगे आप, जहाँ पर भी एक्स वहाँ टू रखेंगे तो ये आएगा ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टीन, ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टीन, है ना, ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टीन, तो ये आएगा आपके पास थर्टी एट, एंड देन यहाँ ट्रिपल डैश में रखेंगे तो ये तो ट्वेल्व ही आ रहा है, एंड ये जीरो आ रहा है ना, ये सब वैल्यू उठा के हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो हमारी जो थ्योरम, हमारी जो एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास, तो देखिए यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आएगी एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू ये कितनी, मैं लिख देता हूँ इसको, ये आएगा आपके पास टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एफ टू, एफ टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45, ये निकाला एफ टू, एफ टू को उठा के यहाँ रखेंगे, फिर एफ डैश टू को उठा के यहाँ रखेंगे, एफ डैश थ्री को उठा के रखेंगे, इस तरह से वैल्यू रखेंगे, है ना, 45 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये
एक्स माइनस टू एंड यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी 53. मैं 53 पहले लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा. x माइनस टू है ना अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस देन यहाँ पे देखिए आप क्या आ रहा है, f डबल डैश टू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 38 है ना अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा यहाँ पे देखो ये x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12 अपॉन थ्री फैक्टोरियल x माइनस टू का क्यूब. इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, मैं इसको पहले लिखता हूँ तो ये आएगा 6 6 6 2 12 2 x माइनस टू का क्यूब, फिर मैं इसको लिखता हूँ तो ये आएगा 17, ये आएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर, सॉरी 19 आएगा आपके पास है ना, प्लस ये करेंगे तो ये आएगा आपके पास 53 x माइनस टू प्लस 45. तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम एक्सपांड करते हैं इन फॉर्म ऑफ x माइनस टू. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. ये इसका आंसर है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लूंगा फिर इसको हम फिनिश करेंगे. सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एक्सपांड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू बाई द टेलर्स थ्योरम. तो स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसको हम पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू लिखेंगे तो ये आएगा एफ पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू है ना अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाई टू, इस तरह से आता जाएगा ये राइट. तो वही हमारे पास एफ एक्स कितना दे रखा है यहाँ पे देखो, एफ एक्स दे रखा है हमारे पास साइन एक्स ना, इसको एफ डैश एक्स निकाली तो ये आएगा माइन कॉस एक्स, देन एफ डबल डैश एक्स निकाली ये आएगा आपके पास माइनस का साइन एक्स, देन एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे आपके पास तो ये आएगा माइनस का कॉस एक्स, फिर चलता जाएगा है ना. नाउ एफ पाई बाई टू, तो हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है. नाउ एफ डैश पाई बाई टू है ना, ये उठा के यहाँ पे रख रहे हैं है ना एफ डैश पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, देन एफ डबल डैश पाई बाई टू यहाँ से इसकी जाएगी माइनस वन, फिर एफ ट्रिपल बाई टू तो यहाँ से ये आएगा जीरो. एक और ले लो चलो एफ फोर टाइम डेरिवेटिव कितना आएगा देखो यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, पाई बाई टू रखेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू वन आएगी, ऐसे आता जाएगा. नाउ स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जानते हैं थ्योरम होती है. नाउ एफ एक्स इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स आता है एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है साइन एक्स है इज इक्वल टू क्या आएगा एफ पाई बाई टू, सो एफ पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हमारे पास वन है प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू आपको अपॉन वन फैक्टोरियल वन आएगा है ना, देन एफ डैश पाई बाई टू कितना आ रहा है जीरो, मतलब ही नहीं है इससे, एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर ये जीरो है अपॉन टू फैक्टोरियल टू आएगा, देन इसकी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस वन, देन ये तो जीरो आएगा तो मतलब थर्ड टर्म लिखने की वैल्यू भी नहीं है, पर फिर लिख देते हैं अपन ताकि आपको याद रहे, थ्री फैक्टोरियल इंटू इसकी वैल्यू आएगी आपके पास जीरो प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी वन, सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ से आपके पास आएगा ये साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ये आएगा सॉरी वन माइनस ये आएगा आपके पास एक्स माइनस पाई बाई टू अपॉन टू है ना प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास ये तो जीरो हो जाएगा ये आएगा एक्स माइनस पाई बाई टू का पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल है ना, तो ये हमारे पास क्या आएगी ये सीरीज आएगी. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं ठीक है. अगर आप चाहो तो आप कर भी सकते हो, जहाँ पर एक्स माइनस टू है देखो अब ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये कॉस एक्स की सीरीज आ रही है देखो, जहाँ पर टी है या एक्स है इसकी जगह आप कोई फंक्शन रख दो टी है ना, तो आप टी रखोगे तो ये आएगा पाई बाई टू प्लस टी, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये वन टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल टी स्क्वायर बाय टी पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, तो ये कॉस एक्स की सीरीज आ जाएगी ना, तो पाई बाई टू इसलिए यहाँ पे सीरीज किसकी आ रही है साइन की, साइन है पर पाई बाई टू इसलिए यहाँ पे कॉस एक्स की सीरीज बन रही है ना. तो ये कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी. तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ जो मैं टॉपिक फिनिश कर रहा हूँ टेलर्स थ्योरम, इससे पहले मैंने मैकलोरेंस पढ़ाया था, इससे पहले मैंने लेबनीज़ थ्योरम ली थी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लिया था, उससे पहले और भी जो वीडियोस हैं वो आप यहाँ पे टिप पे जाके देख सकते हैं, और लास्ट की जो स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे मेरे पुराने वीडियोस और देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बने रहिए, मुझे लगता है आपके एग्जाम्स आ गए हैं और मेरी जो वीडियोस हैं आपको हेल्प कर रहे होंगे, और भी कोई आपको टॉपिक लगता है तो कमेंट बॉक्स पर आप जाके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच, बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू, बाय बाय.